प्रोग्राम करने का हम प्लान कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग शहरी द्वारा वीरवार को अमर नगर व हनुमान ढाणी में राष्ट्रीय पोषण मिशन पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स व अनेक महिलाओं के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रणीता गोस्वामी व WCDPO दशना ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास शहरी भिवानी एवं आंगनवाड़ी केंद्र अमर नागर व हनुमान ढाणी में राष्ट्रीय पोषण मिशन पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी अनेक महिलाओं, किशोरियों, युवतियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हेल्पर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं सहित सभी उपस्थित गणों को पौष्टिक आहार व स्वच्छता को अपनाने का संकल्प दिलाया गया। वहीं महिलाओं और किशोरियों ने बस्तियों में चेतना रैली और नुक्कड़ नाटक कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO प्रणीता गोस्वामी और अनुपलता ने कहा कि शरीर के लिए पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। यदि शरीर में पोषक तत्व नहीं होंगे तो हम कुपोषण के शिकार होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए पानी भी सबसे अच्छा पोषक तत्व है। वहीं आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर गौरव मुंजाल ने बताया कि इस अभियान के दौरान शहर व हर गांव में जाकर कुपोषण से संबंधित प्रभात फेरी, साइकिल रैली, जागरूकता कैंप के अलावा घर घर जाकर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश में 38% के लगभग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 38 से हटाकर 25% लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कार्यक्रम है पोषण अभियान के तहत 8 मार्च से 22 मार्च तक हम पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें पोषण के बारे में जानकारी देनी है, खून की कमी को कैसे दूर किया जाता है, हरी सब्जियों का प्रयोग करके, दालों का प्रयोग करके, अंकुरित अनाज प्रयोग करके महिलाएं घर में अच्छे से खान पान करें, बाहर का कुछ ना खाएं। एक ये कोरोना वायरस का जो अफवाहें फैली हुई हैं, इसके बचाव के लिए भीड़ में ना जाएं, खांसते हैं छींकते हैं तो मुंह पे कपड़ा रखें या मास्क लगा के निकलें, और भीड़ भाड़ के जो आयोजन है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। इस माह हरियाणा सरकार द्वारा पोषण माह, जिसको पोषण पखवाड़ा नाम दिया गया है, वो मनाया जा रहा है। हमें ऊपर कार्यालय से, पंचकुला से आदेश मिले हैं कि 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाए, जिसमें 15 दिन कैंप लगाया जाएगा। अलग अलग भिवानी के अलग अलग CHC, PSC, GAD और स्कूल्स में ये कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें विभाग द्वारा मेडिसन्स दी जाएंगी, पोषण के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी द्रव्य हमारे, हम किस तरह उनको पोषण ले सकते हैं जो हमारा पोषण करेंगे, मेडिसन्स भी दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जाएगा, स्कूल में बच्चों को आयुर्वेद के लिए उनको जागरूक किया जाएगा। इस तरह से आज हमारा कैंप है जो दिनोद में लगा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार जी के मार्गदर्शन में इस तरह का कैंप का आयोजन किया गया है। इन्होंने एक चार्ट बनाकर हर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है। आज दिनोद में डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर राजकुमार और अदर पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगी है, जो आज दिनोद में कैंप कर रहे हैं। वीरवार को अगर